हम एक सिंपल पेपर का ग्लास, ठीक है, उसको ड्रॉ करेंगे और उसमें लाइट एंड शेड दिखाएंगे। तब जाके बाद में आगे हम स्टील वाले ऑब्जेक्ट में ड्रॉ शुरू करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले एक लाइन ऐसे लेना, ठीक है, ये लाइन आपने से ले लिया। एंड देन एकदम सेंटर पे, दोनों के सेंटर पे आपको एक पॉइंट लेना है एंड स्ट्रेट एक लाइन लेना, ठीक है। एंड देन ये जो पार्ट हो गया, नीचे का ये ज्यादा है तो नीचे का कम होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी ये जितना इधर होगा उतना ही इधर भी होगा, ठीक है। यू कैन मेजर इट विथ पेंसिल, राइट, लाइक दिस। देन यू हैव टू मैच दिस लाइन विथ टॉप पॉइंट टू बॉटम पॉइंट, राइट, लाइक दिस। नाउ यू कैन ड्रॉ इट। थोड़ा सा नीचे का और डाउन हो सकता था, कम हो सकता था, ये इसको थोड़ा कम कर दीजिए, नीचे वाले को हल्का कम कर दीजिए। ये लाइंस को आप लाइटली रखिएगा क्योंकि बाद में इरेजर करना है, जस्ट हम एक मेजरमेंट के लिए ले रहे हैं। यस, अब ये जो पार्ट है ऊपर एंड नीचे, पहले ऊपर से स्टार्ट करना है आपको, ऐसे कर ओवल, एक्चुअली ओवल क्रिएट, ओवल क्रिएट करना है। ये दोनों साइड ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे ऐसे, ये राउंड कॉर्नर होना चाहिए, एकदम ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा ये वाला पार्ट आप ठीक कर लीजिएगा, ऊपर ज्यादा टेढ़ा लग रहा है, ऊपर आपका ये वाला पार्ट टेढ़ा लग रहा है, उसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। हाँ, अभी अभी ठीक आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे हमने यहाँ कर्व दिया तो यहाँ भी वैसे कर्व होगा नीचे की तरफ। वैसे तो ये भी ऐसे होता है, मतलब अगर ट्रांसपेरेंट रखा जाए तो जैसे ऊपर है वैसे नीचे भी, बट अंदर वाला हम नहीं दिखाते हैं, बाहर वाला ही दिखाते हैं। यस, अभी अभी ठीक है। अब हमें ये वाला लाइन इरेज कर देना है जो हमने मेजर के लिए लिया था, और ये अंदर वाला भी, इसको पूरा ऐसे लाइट कर लीजिए हल्का सा। लाइट करने के लिए इरेजर का जो ये वाला पार्ट है, जो लंबा वाला पार्ट है, ऐसे हम इरेज कर देते हैं ताकि वो लाइट हो जाए सारा। और इसके ऊपर एक फाइनल लाइन हम देते हैं, हम थोड़ा सा इसमें लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज करते हैं। हमारा जो लाइट है वो इस साइड से आ रहा है, मतलब थोड़ा फ्रंट पे, थोड़ा हमारे साइड से ऐसे फ्रंट से जा रहा है, तो इसका शेडो भी उसी हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं। ये शेडो मान लीजिए इधर लाइट है और इधर फ्रंट से जा रहा है, तो ये जो लाइट है, शेडो है, वो ऐसे जाए, हमारे आगे से पड़ रहा है ना, इसके ऊपर लाइट। तो इसमें लाइट कहाँ आएगा, ये वाला हाईलाइट एरिया होगा, इधर शेडो होगा, ठीक है। तो हमने ये एक डिसाइड कर लिया हमारा जो शेडो है, और अब हम ये इसमें डिसाइड करते हैं कि हमारा शेडो कहाँ जाएगा, मिड टोन कहाँ जाएगा, मीडियम टोन एंड हाईलाइट कहाँ होगा, एंड रिफ्लेक्शन का। तो रिफ्लेक्शन के लिए हमने ये स्पेस छोड़ दिया, ठीक है, इसमें भी ऐसे जाएगा रिफ्लेक्शन के लिए। ये एरिया हो गया आपका डार्क टोन यानी शेडो के लिए, एंड यहाँ पे आपका मीडियम टोन हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे आपका हाईलाइट, एंड यहाँ पे हल्का सा मिड टोन के आसपास शेडो पड़ेगा, थोड़ा शेडो, जैसे आपने वो आपने सब लिख के समझाया था, वो वही टाइप में करना है ना। हाँ। वही टाइप में करना, यस जी सर। इसमें हमें यहाँ से स्टार्ट करना है डार्क,
और पेंसिल स्ट्रेट लेकिन स्मूथ शेडिंग होना चाहिए। पहले तो हमें पूरा एक टोन इसमें भी फिल कर लेना, एकदम हल्का सा इसमें पूरा फिल कर लेते हैं इसमें भी, ताकि ग्लास का हमारा एक बेस मिल जाए। सो अभी इसमें क्या करना था कि हमें डिवाइड करना था शेडो, मिड टोन एंड हाईलाइट एंड रिफ्लेक्शन के लिए जगह छोड़ना था। तो जस्ट आप हल्का हल्का एक सेक्शन बना लीजिए, ये जो सेक्शन है यहाँ पे केमिस्ट्री सेक्शन। सर दैट विल बी विद 2B ना? यस यस ओके। देयर इज शैडो फॉर शैडो स्पेस एंड देन दिस इज द मिड टोन हाईलाइट एंड देन मिडिल टोन यहाँ भी होगा थोड़ा सा, ये रिफ्लेक्शन के लिए जस्ट बिकॉज ऑफ आवर लाइट सोर्स फ्रॉम देयर। आपको एकदम लाइट रखना है ताकि वो बाद में उसका लाइन्स दिखे नहीं। हमको यहाँ से हम 2B से ले रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा भी प्रेशर नहीं देंगे, हल्का हल्का यहाँ पे हम शेडो देंगे। ये हमने शेडो के लिए यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा इधर से मर्ज करते जाएंगे पीछे की तरफ थोड़ा सा, ठीक है, हल्का हल्का इधर ले गए, पूरा लास्ट तक ले जाएंगे। फिर यहाँ से Now we need to move on middle tone. तो अब धीरे धीरे हमें आगे की तरफ मिड टोन की तरफ बढ़ना है। यहाँ से अब हल्का हल्का पेंसिल को लाइट करते जाना है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। ये स्ट्रोक्स जो है आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे चला है, जिस तरह से ग्लास का एंगल है, शेप है, उसी एंगल में भी स्ट्रोक्स बीच में थोड़ा सीधा हो जाएगा पेंसिल का स्ट्रोक, देन मूव करेगा लेफ्ट साइड में थोड़ा सा एंगल। अभी हमारा हाईलाइट की तरफ हो गया, अब इधर से हमें थोड़ा सा शेडो देना है डार्क टू लाइट अंदर की तरफ, ताकि हमारा जो हाईलाइट है वो इस एरिया में बने, ये वाले। Here I'm doing dark to light. अब इसके अंदर शेडिंग देना है तो ये कैसे होगा आपका, इधर लाइट होगा इधर डार्क होगा, तो इसका शेडो इधर बनता है और लाइट यहाँ इस एरिया में पड़ता है। ओके इधर डार्क से आगे की तरफ लाइट करते जाओ, ये नीचे की तरफ ना थोड़ा डार्क ज्यादा हो क्योंकि नीचे में ये डाउन जाता है, अंदर डेप्थ गया रहता है ना, तो इसकी वजह से ज्यादा शेडो यहाँ आता है। अभी वो चीज तो आप में आ रही है, मतलब वो डेप्थ आ रहा है। अब हम 4B लेंगे क्योंकि थोड़ा सा और डार्क चाहिए, हल्का सा इस वाले एरिया में, इधर तो थोड़ा ठीक लग रहा है, इस वाले जो हमारा शेडो पार्ट है थोड़ा सा और डार्क चलिए। तो बस हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हल्का हल्का इस वाले एरिया में शेडो को इंक्रीज करेंगे सॉफ्टली। पहले बीच में शेडो दिया हमने, बीच में मतलब यहाँ पे, और फिर ग्रेजुअली हम धीरे धीरे आगे स्मूथ करते जाएंगे। जब कभी लंबा स्ट्रोक लगाना होता है ना तो हमें ये जो हैंड है ये पूरा मूव करना होता है, मतलब ये जो एल्बो से, ये ना कि सिर्फ रिस्ट से ऐसे, क्योंकि अगर रिस्ट से आप कीजिएगा तो क्या होगा, वो राउंड राउंड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ पे शेडो दे रहे हैं, हमें इतना लंबा स्ट्रोक्स लगाना,
तो मैं सिर्फ रिस्ट घुमा रहा हूँ, ये ऐसे राउंड होगा, ठीक है। अब मुझे स्ट्रेट करना है तो मैं इस ऐसे शेड हूँ, ये पूरा एल्बो से हैंड को मूव कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए लाइंस की भी प्रैक्टिस करनी है, मैंने पहले जो बताया था आपको, ऐसे ऐसे जो फ्री लाइन का ड्राइंग का प्रैक्टिस है, वो सब सारी चीजें, उससे आपका फ्री हो जाएगा। नीचे की तरफ अगेन जो हमने पहले कहा था कि नीचे थोड़ा सा हम ऊपर के मुकाबले डार्क दिखाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ हल्का सा डार्क भी लाएंगे। नाउ अब ये जो शेडो गया है, कास्ट शेडो, इसका देख यस लीजिए, पहले यहाँ से डार्क होना चाहिए, ये वाले एरिया में ज्यादा डार्क होना चाहिए, लाइट पे जाना चाहिए, यहाँ वाला पार्ट डार्क होगा ज्यादा, जैसे जैसे हम जी उधर जाएंगे उधर भी लाइट होता जाएगा। थोड़ा सा आपका ये जो डायरेक्शन है ना, ये देखिए शेडो का डायरेक्शन थोड़ा सा रॉन्ग है, यहाँ पे बैक सीधा जा रहा है, ठीक है, यहाँ से ऐसे आ रहा है, जैसे ये ऐसे गया, ठीक है, और ऐसे ये मान लीजिए ये कॉर्नर निकला है ऐसे, तो ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब इसको राउंड यहाँ पे ऐसे राउंड कर देना, ये राउंड एंड ये राउंड, ये है आपका ऐसा, और ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसा गया, मान लीजिए ये ग्लास, तो इसको आपको ये ऐसे ले जाना है, ऐसे, और ये यहाँ से ऐसे, गॉट इट। ओवरऑल आपका राउंडनेस दिख रहा है, शेडो इधर आ रहा है, अच्छा लेकिन अच्छा लग रहा है ना सर, अच्छा लग रहा है, हाँ फील आ रहा है, ओवरऑल देखा जाए तो फील का फील आ रहा है, आ वो रहा है डायमेंशन आपका दिख रहा है, वो हाँ रिफ्लेक्शन आपका दिख रहा है, ये जी शेडो सर आपका दिख रहा है, अंदर की तरफ वो डेप्थ दिख रहा है। अब थोड़ा सा इसमें ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, तो